नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ईएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनोग्राफर 2022 के लिए। जी हाँ, इसकी वैकेंसी जो 26 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 के बीच इसका फॉर्म भरा जाना था। काफी कैंडिडेट ने इस फॉर्म को भरा है। लगभग 9 लाख स्टूडेंट ने इस फॉर्म को भरा है। कुल 540 पोस्टों की वैकेंसी थी, जिसमें एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए 122 पोस्ट और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 418 पोस्ट। टोटल 540 पोस्टों की वैकेंसी थी। काफी लंबी वैकेंसी थी, इसीलिए काफी लोगों ने इंटरेस्ट जताया है इस वैकेंसी में। और वे लोग पीएचडी के बारे में इंतजार कर रहे हैं कि इसका पीएचडी कब होगा। मैं आज के इस वीडियो में पीएचडी के बारे में भी बताऊंगा और इसके बारे में इसके कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा, पीएचडी और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और आप अपडेट रह सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। और एक शिकायत है आप लोगों से, जितने व्यूज आते हैं वीडियोज़ में, उतने लाइक्स नहीं आते। इसका मतलब यह है, जितने लोग व्यूज़ देखते हैं उतने लोग लाइक करना पसंद नहीं करते हैं। अगर लाइक करना नहीं पसंद करते हैं तो डिसलाइक ही कर दीजिए, अगर आपकी खुशी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बात कर रहा था पीएचडी का। पीएचडी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे इसी वैकेंसी के पीएचडी के बारे में। इससे पहले मैं आप लोग के कुछ कमेंट्स के जवाब देना चाहता हूँ। कुछ बहनें जैसे कि संगीता है, इन्होंने संगीता और एक क्या है राजकुमारी, एक शायद केरला की हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स के माध्यम से, खास करके मैक्सिमम जो है मेरी बहनें यानी कि लेडीज कैंडिडेट ने कमेंट्स करके अपने कुछ क्वेरीज पूछे हैं अपने हाइट और वेट के बारे में। इस वैकेंसी से रिलेटेड ही है और अपने हाइट और वेट के बारे में बात किए हैं। वो कहती हैं कि सर मेरा हाइट 162 सेंटीमीटर है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो देखिए, कई लोगों ने हाइट और वेट के बारे में अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फिर से जाके आप वहां देख लीजिए, आपका वहां डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ कुछ जो है बता देता हूं। देखिए, जो जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस है, यानी जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट मेल है यानी पुरुष कैंडिडेट हैं, उसका हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर रखा गया है। आपको डाउट में नहीं रहना है कितना, 165 सेंटीमीटर। और जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट हैं, उसके लिए हाइट की कैटेगरी कितना रखी गई है, 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए जो जनरल ओबीसी की है। अब वही एसटी की बात करें तो अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए बात करें तो उसको 2.5 सेंटीमीटर की मेल को जो है छूट दी गई है, यानी कि 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 150 सेंटीमीटर। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, चाहे आप जनरल में आए या फिर ओबीसी में आए या एसटी एससी में आए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप डाउट में मत नहीं रहे। और एक जो हमारे राकेश भाई हैं, राकेश भाई ने हमें कमेंट करके लिखा है कि सर मेरा वेट जो है 82 है या 72 है, जो भी है, मैं बताने के लिए नहीं करना चाहता, सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं वेट के बारे में बात करूं तो देखिए, वेट का जो ये बड़ा इशू नहीं, वेट क्या कहता है, खुद पे डिपेंड करता है, वो घटता या बढ़ता रहता है, आप चाहें तो उसे घटा सकते हैं। तो वेट इतना मेडिकल में इशू नहीं बनता, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। और आप अपना एक एवरेज अगर निकालना चाहते हैं तो अपनी हाइट से 100 घटा दें, कितना 100 घटा देंगे तो जो हाइट जो श्रेष्ठ बचेगा उसका 10 किलो आप प्लस माइनस कर लें, 10 कितना कर लें, प्लस माइनस कर लें, उसके बाद जो हाइट जो बचेगा उतना वो एक स्टैंडर्ड वेट होता है, ठीक है, प्लस माइनस कर लेंगे इतना तक चल जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था किसके बारे में, पीएचडी के बारे में। दोस्तों, पीएचडी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है इसका होने वाला है और इसी साल होगा, यह तो क्लियर है। लेकिन कई वीडियोज और गूगल्स में और कई यूट्यूबर्स ने भी वीडियो अपलोड किया है कि इसका जो है पीएचडी 30 जनवरी से होने वाला है, यानी इसी साल 30 जनवरी यानी 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद जो है इसका होने वाला है। लेकिन मैं उन लोगों को कट नहीं कर रहा, उनका उन पे कटाक्ष नहीं कर रहा,
लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कोई नोटिस जो है सीआईएसएफ ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। यह उड़ता उड़ता बात है, यह बातचीत में रिक्रूटमेंट सेल से जो बातचीत होती है उससे लगता मिलता जुलता एक बात है कि नहीं 30 तारीख तक ले लिया जाएगा, एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। तो हो सकता है, मे भी हो सकता है, हो भी सकता है कि शॉर्ट नोटिस में जो है वो नोटिस अपलोड कर दे, नोटिफिकेशन अपलोड करके आप लोगों को पीएसटी के लिए कॉल कर ले। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सीआईएसएफ ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इसके बारे में। तो हो सकता है कि 30 तारीख तक हो जाए, तो पीएसटी के लिए तो ज्यादा तैयारी आप लोगों को करने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए पीएसटी के लिए इतना डरे ना। जैसे एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा हम झोला उठाएंगे और चल देंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि जब पीएसटी के लिए आप जाएं तो अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि मैट्रिक इंटर और आपके जो भी मूल प्रमाण पत्र है मैट्रिक इंटर के वो साथ में लेके जाएं, और जो अभी जाति कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो भी अपने साथ में लेके जाएं, और कुछ फोटोज भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि पीएसटी के साथ 99.99 चांस होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए। ठीक है, पीएसटी के साथ ही आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, मैक्सिमम होता है चांसेस का 99%। साथ ही साथ मेरा यह सजेशन रहेगा जब भी आप पीएसटी के लिए जाएं तो पीएसटी के लिए जो है अपना एक दिन का सामान जरूर साथ में लेके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीएसटी में टाइम खत्म हो जाता है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए समय जो है अगला दिन का दे दिया जाता है। ठीक है, अगला दिन का जो है, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी सीआईएसएफ में ही हूँ, आप लोगों को बता दूं, यह आंखों देखा हाल जो है मैं बता रहा हूँ कि दूसरे दिन भी ले लिया जाता है। इसलिए आप एक दिन की तैयारी जरूर अपने साथ में लेके जाएं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो पीएसटी के बारे में क्लियर हो गया कि पीएसटी 30 जनवरी से हो सकता है और इसका एडमिट कार्ड 20 से 25 तारीख तक के बीच में जो है अपलोड किया जा सकता है। यह बस एक रिक्रूटमेंट सेल के लोगों से बातचीत के आधार पे बता रहा हूँ, किसी रिलेटर के आधार पे नहीं कह रहा। बाकी कैंडिडेट्स जो भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और कमेंट कर रहे हैं, मैं उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो 30 जनवरी तक के लिए आप तैयार रहिए, और तैयार क्या, इसके लिए तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मुझे मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप मैक्सिमम फोकस अपने रिटर्न पे दें, क्योंकि रिटर्न का सिलेबस आप जानते हैं कि 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर का जीके और 25 नंबर का हिंदी या इंग्लिश, वो आपके चॉइस पे है, आपको देना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, रिटर्न का, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस सीधा है, पीएसटी होगा उसके बाद रिटर्न होगा उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी और हम आपको देखेंगे एक यूनिफॉर्म में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन जो है हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो मैं जैसा ही कोई अपलोड सॉरी जैसा ही कोई नोटिफिकेशन अपलोड होगा तो मैं आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो अपडेट जरूर पहुँच जाए और आप अपडेट हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।